दोस्तों महिला लोगों से पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ, मुमरा कौसा के अंदर जो है एक अवैध काम बहुत जोरों में चालू है। अवैध काम आज कहीं भी चले जाओ, जैसे कि अवैध काम एक बिल्डिंग बनाने का या चाल बनाने का जो काम होता है, ये बहुत मतलब इतना धड़ल्ले से चालू है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। और ये जो बिल्डर है ये बगैर कोई डर के, बगैर कोई खौफ के, मतलब इतना जोरों में काम कर रहे हैं। जैसे कि खड़ी मशीन रोड पे एक आज़ाद नगर है, आज़ाद नगर के अंदर जो है वहाँ पर देखिए एक चाल का काम चालू है। चाल जो है ये डबल माला चाल कुछ 15 से 16 रूम है जो बनाए जा रहे हैं और बेधड़क बना रहे कि उनको कोई डर नहीं है किसी अधिकारी का ना किसी चीज़ का। तो इसके मतलब क्या होता है कि अधिकारी भी इसके अंदर कुछ मिले हुए हैं कि वो पैसा लेते हैं, पैसा लेके काम अपनी आंख बंद कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी का भी एक जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके से मतलब ना हो काम कहीं पर। कल अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी गरीब मरता है उसके अंदर, बाकी कोई उसके आगे आता नहीं है। और फिर लोग उंगली उठाते हैं प्रशासन के ऊपर, तो प्रशासन इसके पहले ही अगर जाग जाए हादसा होने से पहले तो बहुत एक अच्छी बात है। दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे जो जगह पे जो लोग काम कर रहे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या सो रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारी जगह कौन कब्जा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो मैं न्यूज के जरिए से कहता हूँ कि ऐसे जो लोग भी काम करते हैं इनके ऊपर जो है एक कार्रवाई होना चाहिए। और मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए किस तरीके से काम चालू है और किस तरीके से बेधड़क मतलब मजदूर काम कर रहे हैं, मटेरियल आ रहा है, उनका सब कुछ गिर रहा है, कोई उनको डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, मेरी ये न्यूज के जरिए से मांग है, ताकि कल कोई हादसा ना हो पा। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।